कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हलकान मचा रखा है। इस वायरस की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। हर दिन कोरोना संक्रमण के चलते नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल एक नया लक्षण सामने आया है जो लोगों की टेंशन का सबब बना हुआ है। दरअसल म्यूकर माइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस संक्रमण कहा जा रहा है, वह भी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और सभी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसके संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस से सभी मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस उन मरीजों को हो सकता है जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जिन्हें आईसीयू में रखा जा रहा है या जिनको मधुमेह है और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। ब्लैक फंगस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में, खासकर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों में बढ़ती बेचैनी को देखते हुए जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय तक जो मरीज वेंटिलेटर पर रहते हैं उनके ऊपर गहरा असर करता है। यह बीमारी शरीर के कई अंगों को, खासकर आंखों, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, ये ब्लैक फंगस जो है इसको हम लोग म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ये इस तरह का फंगस हो, जैसे कि तीन तरह से हमारे परजीवी हैं, हमारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और तीसरा हमारा फंगस आता है। तो फंगस जो है अपॉर्चुनिस्टिक होता है, जैसे कि आप बेड रिडन हैं या किसी लंबी बीमारी से आप ग्रसित हैं, आप हिलडुल नहीं रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस जो है धीरे 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 डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो वही कई तरह के फंगस होते हैं, उसमें आजकल जो है ब्लैक फंगस, जो ब्लैक फंगस इसलिए कहा जाता है कि ये फंगस जो है जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारी खून की नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है। जब खून की नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो खून की सप्लाई रुक जाती है, तो आने वाला जो टिश्यू हमारा सेल है वो डैमेज हो जाती है, काली पड़ जाती है और डेड हो जाती है। तो इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। तो हम सबको ध्यान ये रखना है कि किसी भी साइट को लंबे समय तक गंदी नहीं रखनी है, उसको क्लीन करते रहना है। अगर वेंटिलेटर पर हमारा पेशेंट है या किसी बाईपैप पर है तो उसका जो पानी का रिसाव होता है, पानी होता है, उसको हमको क्लीन करते रहना, साफ करते रहना है। और कोई भी साइट लंबे समय तक हमें वैसे ही छोड़नी है। क्लीननेस हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ब्लैक फंगस के लिए बचाने के लिए। तो एक बार ब्लैक, क्योंकि ये ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा भी है और बहुत सारी बात कभी कभी होता है कि हम नर्सिंग होम में या किसी डॉक्टर के पास लोग गए तो ब्लैक देखते ही लोग कहेंगे ब्लैक फंगस, ऐसा नहीं है। सारा ब्लैक फंगस नहीं है, क्योंकि ये डेड पार्टिकल ब्लैक दिखाई देना, कभी कभी नेक्रोसिस भी हो सकता है, किसी दबाव की वजह से खून का सप्लाई कम नेक्रोसिस हो जाती है। तो हमारे किसी कई सारे नर्सिंग होम से ऐसे कंप्लेंट आई, पेशेंट आए तो उनको हमने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए, वहाँ जांच की गई और उसके नमूने लेकर के माइक्रोबायोलॉजी में जाँच की गई तो वो ब्लैक फंगस नहीं था। तो ये इस तरह से ब्लैक फंगस को डिटेक्ट करना थोड़ा सा क्लिनिकली है और आप माइक्रोबायोलॉजी विभाग में ले जा करके उसकी जांच कराने से ही पता चल पाता है कि ये ब्लैक फंगस है। सर, कोविड के पेशेंट में जो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल है उनको लेकर थोड़ा सा इसमें डर है, उन्हें किस तरीके से सावधानियाँ रखनी चाहिए? क्रिटिकल, जो नॉन क्रिटिकल हैं तो उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है। ये ब्लैक फंगस इतने आसानी से नहीं होता है। जो लोग खुद ही अपने हाथ को, अपने चेहरे को साफ कर ले रहे हैं तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। अगर वो डायबिटिक हैं तो वो डायबिटिक को कंट्रोल करके रखें और बॉडी को क्लीन करके रखें। ये समस्या खाली ऐसे एम्बुलेटरी लोगों के पास, जो बेहोश पड़े हुए हैं, जो बेड पर पड़े हुए हैं, अपने हाथ से साफ नहीं कर पा रहे हैं या किसी के भरोसे हैं, लंबे समय तक पड़े हुए हैं, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, महीने भर पड़े हुए हैं, तब जा कर के इस तरह के ब्लैक फंगस होने की संभावना होती है। उसमें तो हमारा नर्सिंग केयर ही उसमें काम कर सकता है। तो हम अपने हॉस्पिटल्स में सबको हम ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि सरफेस को साफ करते रहें, चेहरे को साफ करता रहें और अगर वेंटिलेटर लगा हुआ है, बाईपैप लगा हुआ, तो उसके पानी को, उनकी सफाई को नीट क्लीन करते रहें, जिससे कि इस तरह की कोई चीज़ डेवलप ना होने पाए। कौन कौन से हिस्सों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है?
चेहरे को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, नाक के आसपास के एरिया को वो ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हमारे साइनसेस हैं, नाक से वो साइनसेस में ब्लॉक कर देता है, और साथ में उसी के बगल में हमारी ब्लड की आँख की आर्टरी है, तो आँख की जो आर्टरी हमारी सप्लाई है उसको ब्लॉक करने से आँख की सप्लाई रुक जाती है, जिससे कि रोशनी भी चली जाती है।